आप सभी लोगों का O2 एजुकेशनल सर्विसेज में स्वागत है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि एटॉमिक मास यूनिट हमने हेडिंग लिया है आज। आइए इसको अच्छे से समझते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। एटॉमिक मास यूनिट को समझने के लिए सबसे पहले यूनिट को समझते हैं कि यूनिट है क्या और यूनिट का महत्व क्या है। सबसे पहले यूनिट समझते हैं बच्चों। अगर यूनिट समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि एटॉमिक मास यूनिट का महत्व क्या है। तो सबसे पहले आपको महत्व पता होना चाहिए, तभी जाकर के अध्ययन में मजा आएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ। 10 साइकिल की कीमत, देखिए 10 साइकिल की कीमत जो है, 10 साइकिल की कीमत मान लीजिए 1,00,000 रुपये है। 10 साइकिल की कीमत मान लीजिए 1,00,000 रुपये है, तो एक साइकिल की कीमत क्या होगी? एक साइकिल की कीमत क्या होगी? एक साइकिल की कीमत क्या होगी? 1,00,000 / 10, तो ये आ गया आपका 10,000। 10,000 रुपये एक साइकिल की कीमत आ गई। याद करिए, बचपन में हम लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते थे कि 50 चीज़ों का दाम इतना है तो 25 चीज़ों का दाम बताइए। तो करते थे ना कि 50 चीज़ों की कीमत इतना है तो एक का निकालते थे हमेशा। तो एक की कीमत ही यूनिट कीमत कहलाती है, यूनिट वैल्यू कहलाती है। अगर एक की कीमत आप निकाल लीजिए तो उसी को यूनिट वैल्यू कहते हैं। जैसे हमने एक साइकिल का निकाल लिया तो हमने यूनिट वैल्यू निकाल ली साइकिल की, है ना, हमने यूनिट वैल्यू निकाल ली साइकिल की। अब हमने पता कर लिया कि एक साइकिल की कीमत 10,000 रुपये होगी। अब मैंने एक साइकिल की कीमत अगर निकाल ली तो कौन सा तीर मार लिया मैंने? हाँ बिल्कुल, तीर मार लिया। अगर आपने एक साइकिल की कीमत निकाल ली तो अब आपके लिए आसान हो गया कि अब चाहे जितनी भी साइकिल निकालनी होगी, जितनी भी साइकिल की कीमत निकालनी होगी उसका मल्टीप्लाई करते जाइए। अगर मान लीजिए मुझे n साइकिल निकालना है तो n साइकिल का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो यूनिट वैल्यूज़ का बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आप यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप चाहे उसके बाद जितना भी साइकिल की कीमत आपको निकालनी होगी तो उसका क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो यूनिट का महत्व हम लोग बचपन से ही सीखे हैं कि सर बोला करते थे उस टाइम कि पहले एक का कीमत निकाल लो, उसके बाद जितने का कह रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो। वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए, अगर आप यूनिट मास निकाल लेते हैं तो उसमें चाहे जितना भी आए उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास से रिलेटेड है, एटॉमिक वेट से रिलेटेड है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, कह लीजिए मास और वेट दोनों होता है, ठीक है ना। इसमें फिजिक्स नहीं है कि वेट अलग होगा और मास अलग होगा। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट में दिया होता है। तो अभी हम लोग इंटरेस्टेड हैं एटॉमिक मास में, राइट। तो एटॉमिक मास जो है दो तरीके से पढ़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखा है पीरियोडिक टेबल में, ये है आपका कार्बन और ये आपका है, कार्बन जब लिखा रहता है तो लिखा रहता है 6C12, ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर है जो यहाँ होता है, इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट 12। तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसको बोलने का दो तरीका है। देखिए, हम इसको बोलेंगे 12 AMU, ये भी बोल सकते हैं 12 AMU, या ऐसा बोल सकते हैं 12 ग्राम, ठीक है। यानी कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 12 AMU है और 12 ग्राम है। तो एटॉमिक मास बोलने का दो तरीका है, और याद रखिएगा एटॉमिक मास बोलने का दो तरीका है, एक एएमयू में और दूसरा ग्राम में। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा
कि आप सिर्फ ग्राम ना बोलें बल्कि ये बोलें 12 ग्राम पर मोल। आज के बाद से आप जब भी ग्राम में बोलेंगे तो मोल जरूर लगाएंगे। जैसे कार्बन का कितना है एटॉमिक मास, 12 ग्राम सिर्फ नहीं बोलेंगे आप पूरा बोलेंगे 12 ग्राम पर मोल। याद रखिएगा मेरी बात, ये 12 ग्राम पर मोल, या बोल दीजिए 12 AMU, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो है आपका, आप देखे होंगे AMU में कभी कभी दिया रहता है और कभी कभी आप ग्राम में भी देखते हैं। तो दो तरीका है, इसको सीख लीजिए किसी का भी। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, तो इसको हम बोलेंगे 16 AMU या 16 ग्राम पर मोल। दो तरीका हो गया बोलने का, सिर्फ ग्राम नहीं बोलेंगे मोल बोलेंगे साथ में। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 16 AMU और ये क्या हो गया 16 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल मास, एक मोल एटम का मास कितना है 16 ग्राम। अभी बात करते हैं डिटेल में। अब इसके बाद हमें ये पता चल गया कि एटॉमिक मास को दो तरीके से बोला जाएगा, एक AMU में और दूसरा ग्राम पर मोल में। आइए बच्चों अब देखते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट है क्या। एटॉमिक मास यूनिट है क्या, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था कि अगर कार्बन की बात करूं मैं, तो एक मोल कार्बन एटम, एक मोल कार्बन का मास कितना होता है इसके एटॉमिक मास के बराबर। कार्बन एक एटम है तो इसका मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम, ठीक है 12 ग्राम होगा। एक मोल कार्बन का मास कितना होगा 12 ग्राम, और एक मोल में कितने एटम हो जाएंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.023 × 10³ कार्बन एटम का मास बच्चों 12 ग्राम। तो एटॉमिक मास यूनिट एक एटम का मास यूनिट, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला एक साइकिल की कीमत, तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब एक एटम का मास, एक एटम का मास। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, यानी वन कार्बन एटम का मास क्या हो जाएगा बच्चों 12 / 6.023 × 10³ ये हो जाएगा आपका एक एटम का मास। और इसे ही हम बोलेंगे क्या एटॉमिक मास यूनिट, इसे ही हम बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो अगर आप इसे सॉल्व ऐसे भी लिख सकते हैं 12 / 6.023 × 10³, तो देखिए 12 AMU, इसका मतलब ये हुआ कि एवोगैड्रो नंबर के रिसिप्रोकल को क्या बोलते हैं AMU बोलते हैं बच्चों, है ना। रिसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड AMU। देखिए AMU दरअसल कुछ है नहीं, हमने क्या मान लिया 1/6.023 × 10³ कर दिया, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये आएगा 1/NA की वैल्यू आएगी ये, है ना। तो बेहतर होगा कि हम इसको ऐसे लिखें बच्चों, देखिए 12 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, और ये बार बार चूंकि आएगा, है ना, इतना तो सब में होगा 1/NA, तो इसको हम मान लेते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये कितना हो गया 12 AMU, ठीक है 12 AMU। तो बच्चों एक डिफिनेशन याद कर लीजिए अभी कि व्हाट इज AMU, रिसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड AMU या एवोग्राम। लिखिए हम रिसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर NA इज कॉल्ड AMU, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/NA ग्राम, ठीक है। रिसिप्रोकल ऑफ AMU नहीं, रिसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड सॉरी रिसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड AMU, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक प्रूफ कि हमने अपने मोल कॉन्सेप्ट से इसको प्रूव कर दिया कि AMU क्या होता है। आइए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी इसे प्रूव करते हैं।
दूसरा तरीका एएमयू को प्रूव करने का, देखिए, अगर मैं कहूं बेटा 8 ऑक्सीजन 16, तो मतलब यह हुआ कि 8 इसका एटॉमिक नंबर है और 16 इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट है, कोई बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे एक ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है, देखिए एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या हुआ, एक एटम का मास, तो मैंने एक एटम ले ही लिया जो कि बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है? बहुत ही छोटा है। ऑक्सीजन एटम क्या है? बहुत छोटा है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्रूव करते हैं, तो देखा जाए इसमें है क्या क्या। इसमें बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है उसके बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, तो 16 में से 8 गया, कितना बचेगा 8। तो ये हो गया बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। आखिर जब यही तीन हैं इसके अंदर तो इसी का मास क्या कहलाएगा, एक ऑक्सीजन का मास कहलाएगा और उसी को हम क्या बोल देंगे, एक ऑक्सीजन एटम का मास कहलाएगा और उसी को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कह देंगे, बस सीधी सी बात है। तो आइए इसके मास को हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हमने इसके मास को निगलेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट कर दिया, क्यों बताता हूँ अभी। 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन इसलिए निगलेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन के मास का, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1837 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन का मास होता है वह इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज़्यादा होता है। एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना नहीं, बल्कि 1837 गुना ज़्यादा होता है भाई, हजार गुना से भी ज़्यादा होता है। क्या? प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में। इसे भी याद रखिए क्योंकि यह CPMT में कई बार पूछा है और UPTU में भी कई बार आया है, है ना। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वह 1837 टाइम्स क्या है, इलेक्ट्रॉन के मास से बड़ा है। तो बताइए जब इतना ज़्यादा गैप है तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं आसानी से, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, नेगलेक्टेड। और नेगलेक्टेड की वजह क्या रही, ये रही कि मास ऑफ प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1837 टाइम्स क्या है, छोटा है, ठीक है। यानी मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1837 टाइम्स क्या है, बड़ा है इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि जो प्रोटॉन का मास होता है वह न्यूट्रॉन के मास के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ से हम आ गया 8 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, 8 प्रोटॉन तो हो कितना गया बेटा, 16 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। वाओ, 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, और यही क्या कहलाता है, AMU कहलाता है बच्चों। यानी व्हाट इज AMU? AMU इज नथिंग बट इट इज मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन। एक सिंगल प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है, AMU कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 16 AMU, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 आता है और वह किसके बराबर होता है, AMU के। और AMU अभी हम लोगों ने प्रूव किया था क्या होता है, रिसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो ये आ गया बेटा 16 AMU। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास आपका 16 AMU। तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास देख लेते हैं। देखिए मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 AMU। तो हमें एक मोल चाहिए, एक एटम का मास इतना है तो एक मोल में कितने एटम होंगे, 6.023। तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम का मास कितना हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वन मोल एटम। इसका मास हो जाएगा बच्चों, इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23 इंटू AMU, यानी ये वैल्यू 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 इंटू 16। तो ये फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 ग्राम। क्या गया, 16 ग्राम आ गया हमारा, 16 ग्राम। यानी एक मोल
ऑक्सीजन एटम का मास क्या होगा, 16 ग्राम। तो इसीलिए मैंने बोला था कि एटॉमिक मास को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, एक एमयू के टर्म में और दूसरा ग्राम के टर्म में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्राम नहीं बोलेंगे, बल्कि ग्राम के साथ क्या बोलना है, मोल भी बोलना है। जैसे आज के बाद से कोई पूछे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप ये मत बोलेगा एक ग्राम ना, आप ये बोलेगा 1 ग्राम पर मोल। आपसे कोई पूछे सोडियम का एटॉमिक मास बताइए, तो आप बोलेंगे 23 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम पर मोल। पर मोल जरूर लगाइए, इससे ये पता चलेगा कि एक मोल एटम का मास है ये। और एमयू लगाते हैं तो इसका मतलब एक एटम का मास है। अब तो आप कह सकते हैं कि तुम मुझे एटॉमिक मास दो, तुम मुझे एटॉमिक मास ग्राम पर मोल में दो, मैं तुम्हें एक मोल एक एटम का मास बता दूंगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 ग्राम पर मोल, तो उसके एक एटम का मास बताइए कितना हो जाएगा, 16 AMU। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सोडियम का एटॉमिक मास है 23 ग्राम पर मोल, तो एक एटम का मास बताइए, तो 23 AMU। बस ग्राम पर मोल की जगह पे क्या लगा देना, आपको AMU लगा देना है। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों इसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आता है इस पे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय नंबर 1 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस एट STP, दूसरा 28 AMU, जिसको बेटा शॉर्ट में U भी कहते हैं। AMU को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, U, यूनिफाइड मास ऑफ N2 गैस एट STP, ठीक है। 28 ग्राम N2 गैस STP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये बताना है, और 28 AMU N2 गैस STP पर कितना ऑक्यूपाई करेगा ये बताना है, और तीसरा मान लीजिए 16 AMU या U ऑफ हीलियम गैस STP पर कितना बताएगा ये बताना है, ठीक है। ये तीन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इसके ऊपर से। देखिए 28 ग्राम इनटू गैस एट STP, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि फिजिकल केमिस्ट्री में ग्राम का कोई महत्व नहीं होता है, तो जो भी महत्व है वो किसका है, मोल का है। तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि मोल कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा 28 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे बताइए, 28 ग्राम चूंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, और जो कि दिया हुआ है वैसे अगर आप निकालना चाहें तो मोल बराबर क्या होता है बेटा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम कितना दिया, 28, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, तो कितना आ गया, 1 मोल। तो एक मोल N2 गैस आ गया, और हम जानते हैं कि STP पर एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। STP पर एक मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो एक मोल कितना करेगा, इतना ही करेगा भाई। हो गया आंसर हमारा, आ गया 22.4 लीटर, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया। अब देखिए 28 AMU ऑफ N2 गैस STP पर कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो जो हम शुरुआत करेंगे बच्चों वो कैसे करेंगे देखिए जरा। अब हम करते हैं सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम, 28 AMU, तो शुरुआत यहीं से करेंगे। देखिए 28 ग्राम यानी कितना हो गया, 1 मोल, कितना ऑक्यूपाई करता है बेटा, 22.4 लीटर, है ना। 28 ग्राम N2 गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम STP पर ऑक्यूपाई करता है, तो हमें क्या चाहिए, 28 AMU। तो बेटा हम जानते हैं कि 1/NA इज इक्वल टू क्या होता है, AMU, 1/NA इज इक्वल टू AMU। तो मुझे 28 ग्राम को किस में बदलना है, AMU में, तो क्या करूँ, 28 डिवाइडेड बाई NA कर दूँ। जैसे ही मैं NA से डिवाइड करूँगा वैसे ये क्या हो गया, 28 AMU हो गया। तो आपने देखा कि 28 को
28 एमयू यानी 28 ग्राम को 28 एमयू बनाने के लिए मुझे एनए से डिवाइड करना पड़ा। तो जब मैंने इधर एनए से डिवाइड किया है तो हमें पूरा हक है कि हम इधर भी एनए से डिवाइड कर दें, एनए से डिवाइड कर दें। तो 28 बाई एनए यानी 28 एमयू एन टू गैस विल ऑक्यूपाई दिस मच लीटर एट एसटीपी। इसको सॉल्व कर लीजिए, 22.4 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 के पावर 23। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 के पावर माइनस 24, है ना। देख लीजिएगा कितना आ रहा है, एग्जैक्ट सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है ना। यही आंसर है बच्चों। या मैं अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दूं इसका, 22.4 डिवाइडेड बाय 6.023, 3.71 ये आ गया एग्जैक्ट वैल्यू। मैंने निकाल दिया 3.71 इंटू 10 के पावर माइनस 23 लीटर। इतना लीटर गैस जो है एसटीपी पर ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए 16 एमयू हीलियम गैस एसटीपी पर कितना ऑक्यूपाई करेगा। तो हम जानते हैं कि हमारा जो काम है वो मोल में है, तो एक मोल गैस, एक मोल हीलियम गैस एसटीपी पर कितना ऑक्यूपाई करेगा बेटा, 22.4 लीटर। एक मोल हीलियम गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो एक मोल हीलियम में कितने ग्राम हो जाएंगे बच्चों, एक मोल हीलियम में कितने ग्राम हो जाएंगे इसके एटॉमिक मास के बराबर, इसके एटॉमिक मास के बराबर। तो होता क्या बेटा, टू हीलियम फोर, तो फोर हो जाएगा। तो 4 ग्राम हीलियम ऑक्यूपाई करता है कितना, 22.4 लीटर एसटीपी पर। तो मैं इसको एएमयू बनाना चाहता हूँ, और ग्राम को एएमयू में बनाने के लिए क्या करना होता है, एनए से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 बाई एनए ग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि 4 बाई एनए का मतलब क्या हो गया, 4 एएमयू। तो 4 एएमयू हीलियम गैस एसटीपी पर कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4। जब आपने एनए से इधर डिवाइड किया है तो आपको पूरा हक है एनए से इधर भी डिवाइड कीजिए। इतना लीटर गैस ऑक्यूपाई करेगा कितना, 4 एएमयू इतना लीटर गैस ऑक्यूपाई करेगा। तो पूछ कितना रहा है, 16 एएमयू। तो बेटा 4 को क्या करूँ कि 16 हो जाए, मैंने मैथ से पूछा 4 को 16 कैसे बनाया जाए, तो मैथ ने कहा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 एएमयू। तो 4 से यहां किया तो 4 से यहां भी कर दीजिए, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। यानी 22.4 अपॉन एनए इंटू 4 लीटर गैस जो है एसटीपी पर ऑक्यूपाई होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको एएमयू बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं फिर से और बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद बच्चों।